तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि खून से लथपथ एक अनजान लोकेशन पर खड़ी होती है। तभी हम उसके आसपास कई सारे जानवर को मरा हुआ देखते हैं जिन्हें उसी लड़की ने मारा होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़की एक म्यूटेंट है जिसके पास सुपर पावर के साथ साथ सुपर स्ट्रेंथ भी है, जिसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। साथ ही इस लड़की को इस मूवी में कोई नाम नहीं दिया गया है बल्कि उसे सभी लोग आर्क वन के नाम से बुलाते हैं, जिसकी वजह से हम भी उसे इसी निकनेम से मेंशन करेंगे। जिस बीच हम देखते हैं कि आर्क को उसकी मॉम की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो कि उसे अपने पास बुला रही होती हैं, तभी उसके ऊपर एक डॉग हमला कर देता है जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम बस में दो स्कूल गर्ल्स को देखते हैं जिसमें से एक सॉन्ग सुन रही होती है, जिस दौरान उन लड़कियों की बातें से हमें पता चलता है कि गाने सुनने वाली लड़की प्रेग्नेंट है। इस बात को वो दूसरी लड़की से किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी लगातार उस प्रेग्नेंट लड़की को घूरते जा रहा होता है, और तभी बस ड्राइवर उस बस एक अनजान रास्ते पर मोड़ देता है, और उसी वक्त कुछ लोग मास्क पहनकर उससे बस में जहरीली गैस को फैला देते हैं जिससे कि उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ साथ सभी लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। अब इसके बाद वो प्रेग्नेंट लड़की को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो खुद को डॉक्टर वी और उनकी बहन के सामने पाती है, जहाँ टीवी पर उसके स्कूल बस के बारे में न्यूज चल रही होती है कि उस बस के खाई में गिरने की वजह से उसमें मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये देखकर वो लड़की काफी दुखी होती है, और फिर वो डॉक्टर विक से अपने यहाँ होने का रीजन पूछती है, और साथ ही वो इन्हें बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसे जाने दिया जाए। इस पर डॉक्टर विक उसे बताते हैं कि उसे पता है कि वो माँ बनने वाली है, अभी एक नहीं बल्कि ट्विन्स की, और इसका इस्तेमाल वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट में करेंगे ताकि वो उस बच्चे के और भी क्लोन बना पाए। ये बात सुनकर प्रेग्नेंट लड़की को कुछ समझ नहीं आता, और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ म्यूटेंट को देखते हैं। इन सभी के पास अपनी अपनी अलग पावर्स हैं और अलग अलग खूबी थी। ये सभी डॉक्टर विक की लैब में जाकर जो भी वहाँ एक्सपेरिमेंट के बच्चे का गौर थे उन सभी को मार देते थे। इनके जाने के बाद हम यहाँ पर एक बच्ची को देखते हैं जिसे काफी गोलियां लगी थी लेकिन फिर भी वो जिंदा और बिल्कुल ठीक थी। दरअसल इस लड़की का नाम है आर्क वन था, जैसा कि डॉक्टर वी ने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था, और फिर जब वो उस लैब से बाहर आई है तो उसके सर पर अचानक से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जिस वजह से वो अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके आसपास की सभी चीजें उड़ने लगती हैं, जिससे थोड़ी देर बाद आर्क वन चलते चलते सड़क पर आ जाती है और यहाँ पर उसके बहुत पास से एक गाड़ी गुजरती है, लेकिन वो उस गाड़ी से बिल्कुल नहीं डरती तो वो गाड़ी वापस आर्क के पास आकर रुकती है जिसमें कि बहुत सारे गुंडे भरे हुए थे और उन्होंने एक लड़की को भी किडनैप किया था। अब इन गुंडों का लीडर आर्क से उसके बारे में पूछता है पर वो उसे कुछ जवाब नहीं देती, तो वो लोग आर्क को भी अपने साथ किडनैप कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसने उन्हें देख लिया है और वो पुलिस को सब कुछ बता सकती है। उनके वो लोग जिस लड़की को किडनैप करके ले जा रहे थे उसका नाम युंग था, उसके नाम पर उसकी पुश्तैनी जमीन थी लेकिन वो गुंडे उससे उसकी जमीन को छीनना चाहते थे इसलिए वो उस लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे थे। अब इधर वो लोग आर्क को परेशान कर रहे थे तो युंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो लोग युंग को भी परेशान करने लग जाते हैं जिससे आर्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर जब आर्क उस गैंगस्टर को जान से मारने वाली होती है तो युंग उसे रोक देती है, जिसके बाद वो अपने डॉक्टर अंकल को कॉल करती है और उन्हें अपने पास बुलाती है ताकि वो लोग यहाँ से निकल कर घर जा सके। पर जब उसके अंकल यहाँ पे पहुँचते हैं तो आर्क अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है और अब युंग उसे अभी अपने साथ ले जाती है, और फिर वहाँ उसके अंकल आर्क का इलाज करते हैं और उसकी सारी गोलियों को निकाल देते हैं। गोलियों के निकालने के बाद आर्क के शरीर में जो जख्म थे वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर को लग रहा था कि शायद उसने आज बहुत ज्यादा पी ली है इस वजह से ये शायद हो रहा है। इसके बाद हम एक लड़की को खून से लथपथ देखते हैं, यहाँ पर उसने एक लैब के सारे लोगों को और म्यूटेंट को मार दिया था, और यहाँ उसका एक साथी भी होता है और ये दोनों ही म्यूटेंट होते हैं। इस लड़की के पास बहुत ही ताकत है और अपने जख्मों को ठीक करने की पावर्स भी होती हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर बी के पास जाती है। यहाँ डॉक्टर बी उसे बताती है कि उनके लैब से एक लड़की गायब हो गई है। दरअसल वो यहाँ आर्क वन के बारे में बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि सालों पहले वो और उसकी बहन एक प्रेग्नेंट लड़की को एक्सपेरिमेंट के लिए लाए थे जिसमें वो कामयाब भी हुए थे, और उन्होंने उस प्रेग्नेंट लड़की की बच्ची का एक क्लोन बनाया था जो कि आर्क वन थी, और अब डॉक्टर भी उसे ढूंढ कर मार देने के लिए कहती हैं। वो उसे एक डिवाइस भी देती हैं जिसकी मदद से वो लोग आर्क वन को ढूंढ सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने आर्क के दिमाग में एक चिप लगाई होती है जिससे वो लोग उसके लोकेशन और उसकी ब्रेन एक्टिविटी को जान सकते हैं,
और फिर ये दोनों यहाँ से जाते हैं तो इनका कोई पीछा कर रहा था और उस लड़की का साथी गाड़ी रोककर और उनके साथ लड़ने लग जाता है। दरअसल यहाँ जो गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है उसमें भी म्यूटेंट थे जिन्हें कि इस लड़की के पुराने दोस्त ने भेजा था। अब यहाँ इनकी फाइट होती है तो इसका साथी उन्हें बहुत मारता है और इन दोनों को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। और फिर ये दोनों उनके बॉस से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ वो लड़की उसे कहती है कि वो यहाँ पर अपना एक काम पूरा करने आई है इसलिए वो उसके बीच में ना आए। दूसरी तरफ हम आर्क वन को देखते हैं जिसे यूंग अपने साथ अपने घर ले आई है जहाँ उसका भाई भी था। और फिर खाना खाने के बाद आर्क जब सोने के लिए जाती है तो उसके सिर में फिर से अचानक से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। और अब इधर उन गुंडों का लीडर भी अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। यूंग उन गुंडों को रोकने की कोशिश करती है पर वो गैंगस्टर यूंग और उसके भाई को मारने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूंग ने ही उसके आदमियों को मारा है। तभी इधर आर्क भी आ जाती है जो कि उन गुंडों को देख लेती है जो कि यूंग और उसके भाई को मार रहे थे। और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको अपनी पावर का इस्तेमाल करके मारने लगती है। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि एक ही मुक्के में गाड़ी और उनके आदमियों को उठाकर फेंक दे रही थी। और फिर आखिर में जब वो उन गुंडे को बॉस को जान से मारने वाली होती है तो यूंग उसे एक बार फिर से रोक लेती है और वो गैंगस्टर अपने गुंडों के साथ यहाँ से डर के भाग जाता है। जिसके बाद वो उस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है और इसके लिए वो यूंग के डॉक्टर अंकल की उंगलियों को भी काट देता है। और फिर जब वो अपने घर पर पहुँचता है तो यहाँ उससे मिलने म्यूटेंट का ग्रुप आया था। ये लोग वही थे जिन्होंने स्टार्टिंग में आर्क के लैब में मौजूद सभी लोगों को मार दिया था, पर यहाँ आर्क बच गई थी इसलिए वो लोग उसे भी म्यूटेंट बना देते हैं। तो गैंगस्टर उनकी बात को मान जाता है और वो उन लोगों को सब कुछ सच बता देता है। और फिर हम यूंग को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर अंकल से मिलने पहुँचती है। यहाँ उसके अंकल उसे कहते हैं कि वो उस लड़की को छोड़ दे, वो बहुत खतरनाक है और उसकी वजह से तुम लोग मारे जाओगे। इसके बाद यूंग वहाँ से जाने लगती है तो उससे मिलने उसकी गाड़ी में वही लड़की और उसके साथ ही आते हैं और उसे समझाते हैं कि यार उनके लिए बहुत खतरनाक है इसलिए वो लोग उसे रात में ले जाएंगे। तो यहाँ पर यूंग उनकी बात को मान लेती है लेकिन जब वो अपने घर पर पहुँचती है तो वो अपना मन चेंज कर लेती है और वो आर्क को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। पर तभी गैंगस्टर उन म्यूटेंट को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो यूंग का भाई आर्क वन को यहाँ से निकालने का रास्ता दिखाने चला जाता है। और जब वो आर्क को छोड़कर अपने घर पहुँचता है तो यहाँ पर उन लोगों ने यूंग को मार दिया था और वहाँ दूर से लड़की और उसका साथी आर्क वन पर निशाना लगाते हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर दूसरा ग्रुप भी उस लड़की को पकड़ने के लिए पहुँच गया है तो वो आर्क और उन लोगों को मारने के लिए एक मिसाइल छोड़ देते हैं जिससे आर्क वन जंगल में जाकर गिरती है और वो बेहोश हो जाती है और वो पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद यहाँ उन दोनों गैंगस्टर बॉस और म्यूटेंट ग्रुप की एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है पर उन म्यूटेंट ग्रुप की पावर बहुत ज्यादा थी जिस वजह से गैंगस्टर उनके सामने ज्यादा देर तो नहीं टिक पाते और इनकी लड़ाई के दौरान वो गैंगस्टर यूंग के भाई को भी मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर सीक्रेट ग्रुप की एक मेंबर आकर उसे बचा लेती है और गैंगस्टर को मार देती है पर वो खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी थी और उनका वह साथ म्यूटेंट के साथ लड़कर बेहोश हो गया था। अब वहाँ जंगल में आर्क वन को होश आता है तो उसे यूंग और उसके भाई की याद आती है तो वो उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ जाती है पर यहाँ उसके सामने म्यूटेंट ग्रुप की एक लड़की आती है जो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है पर आर्क वन उसे एक ही झटके में उसी चाकू से मार देती है। और फिर वो उसे घिसटते हुए एक जगह लेकर जाती है जहाँ यंग और उसका भाई होते हैं जिन्हें ऐसे देख आर्क वन को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद ये तीनों बचे हुए म्यूटेंट आर्क वन को मारने के लिए उस पर अटैक करते हैं पर आर्क वन इन सबको एक एक करके बहुत बुरी तरीके से मार देती है। उसकी पावर उन म्यूटेंट के सामने ज्यादा थी, वह उन्हें उनके ही हाथों और उनके ही चाकू से कंट्रोल करके उन्हें मार रही थी। और फिर आखिर में इन म्यूटेंट की एक लीडर बची हुई थी जो कि आर्क वन को छुपकर मारने वाली होती है तो तभी सीक्रेट ग्रुप की लड़की वहां पर आ जाती है और फिर यहां पर पता चलता है कि ये उनकी बहन है और इसने इन म्यूटेंट के ग्रुप को भेजा था आर्क वन को छुड़ाकर अपने पास लाने के लिए मगर इन लोगों ने तो उसे मारने की कोशिश की तो म्यूटेंट की लीडर से कहती है कि मैंने तो तुम्हें मेरी बहन को छुड़ाकर अपने पास लाने के लिए कहा था लेकिन तुम तो उसे जान से मारने के लिए उतर आई हो। और ऐसा कहकर वो उसके सर को उड़ा देती है और फिर वो आर्क को अपने बारे में बताती है कि वो उसकी बहन है और वो उसे इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि आर्क वन भी उनकी मॉम से जुड़ी हुई थी और वो आर्क के साथ अपनी मॉम को ढूंढना चाहती थी लेकिन आर्क वन अभी भी यूंग और उसके भाई की मौत से बहुत दुखी थी और अब वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और हम डॉक्टर बी को देखते हैं
जिसे पता लग गया था कि वो दोनों बहन आपस में मिल गई हैं और वो अपनी मॉम को ढूंढते हुए जरूर आएंगे, इसलिए वो अपनी पूरी तैयारी शुरू कर देती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।